दोस्तों नमस्कार, फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल। दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड, इंटरनेट और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर एंड्रॉयड, कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। इस चैनल को आप यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी के भी एंड्रॉयड मोबाइल पर एप्लीकेशन को कैसे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वैसे तो हम शेयर इट या ब्लूटूथ के जरिए भी एप्लीकेशन को किसी के मोबाइल में सेंड कर सकते हैं, अगर वह हमारे सामने हो तो। लेकिन अगर वह दूर है तो हम व्हाट्सएप के जरिए उसे कैसे सेंड कर सकेंगे, आज की इस वीडियो में ये ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि एप्लीकेशन को किसी को भी हम सेंड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो भी एप्लीकेशन आप सेंड करना चाहते हो वो एप्लीकेशन निकाल लीजिए। मैं एक्सप्लोरर में जाता हूँ और स्टोरेज में जाता हूँ, जहाँ पर मैंने एप्लीकेशन रखी हुई है उस फोल्डर में मैं जाता हूँ। तीसरा फोल्डर है एंड्रॉयड का, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए सबसे नीचे एप्लीकेशन है चैमकेस, तो यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ। लॉन्ग प्रेस करने के बाद देखिए नीचे सेंड की ऑप्शन है, सेंड पर मैंने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हाट्सएप की ऑप्शन नहीं आ रही है, क्योंकि ये फाइल व्हाट्सएप को सपोर्ट नहीं करती है इसलिए। अब हमने करना क्या है, जोन सी ये वाली फाइल है इसे हम टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने करना क्या है, इस पर लॉन्ग प्रेस करिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद मोर ऑप्शन पर जाकर रीनेम पर क्लिक कीजिए। रीनेम पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में देखिए डॉट APK लिखा हुआ है, यहाँ पर APK मिटाकर आपने TXT लिख देना है, ये टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। और इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर एक बारी और ओके कर दीजिए, और ये टेक्स्ट फाइल बन चुकी है। अब हम इसे सेंड कर सकते हैं किसी को भी। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेंड ऑप्शन पे जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप की ऑप्शन आ चुकी है, मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करता हूँ। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद जिस भी पर्सन को हम सेंड करना चाहते हैं उसे हम भेज सकते हैं। एक मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है, मैं वहाँ पर इसे सेंड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसे सेंड कर दिया है, और ये एप्लीकेशन यहाँ से चली गई है। तो अब हम देखते हैं मेरे दूसरे व्हाट्सएप के अकाउंट में ये एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ से मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ। ये देखिए दोस्तों सबसे ऊपर ये एप्लीकेशन मुझे आ गई है, यहाँ से मैं अब इसे डाउनलोड करता हूँ। ये डाउनलोड हो रही है एप्लीकेशन, और जैसे ही दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को व्हाट्सएप में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमें TXT फाइल दिखेगी और हम इसे APK में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये थोड़ी देर में ही डाउनलोड हो जाएगी। देखिए दोस्तों यह एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, हम बैक जाते हैं बिल्कुल, और हमने फाइल मैनेजर को खोलना है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम स्टोरेज में चलते हैं। स्टोरेज में जाने के बाद आप व्हाट्सएप ढूंढेंगे। व्हाट्सएप में हमने जाना है, फिर हमने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद चौथे नंबर पर देखिए व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और ये एप्लीकेशन ये देखिए यहाँ पर आ चुकी है। और अब हमने क्या करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद मोर पर जाना है, और उसके बाद रीनेम पर जाना है। रीनेम पर जाने के बाद जहाँ पर TXT लिखा हुआ है इसे मिटाकर हमने APK लिख देना है। यहाँ पर हमने ओके कर देना है।
अब आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है और अब हम चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरे ये एप्लीकेशन पहले से ही डाउनलोड है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप किसी से भी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर ले सकते हैं और दे सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि किस तरह से उसने ये एप्लीकेशन वो भेज पाएगा हमें या हम उसे किस तरह से भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज की अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और हमारे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।